तो यार ये हम आ गए हैं गरड़िया महादेव कोटा। और ये मेरा तो सेकंड टाइम है, बट पहले मैं आया था किसी स्पेशल वन के साथ और अब आया हूँ मेरे दोस्तों के साथ। और ये है वो, एक बार वो करता वो तो ठीक है। इधर है ये पूरी लेक और इधर है गरड़िया महादेव। इधर नीचे हम जाएंगे और देखेंगे महादेव जी को। वैसे ये मैं पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा। यहाँ हमारा जो है टैक्सी वहाँ खड़ा हुआ है और उसी से हम जाएंगे, वो नहीं है उसके पीछे वाली है। ओके, ये रास्ता है। इधर से हम आए हैं कोटा से गरड़िया महादेव, करीब करीब 20 किलोमीटर दूर। तो अब चलते हैं नदी की ओर। तो यार ये है कुछ मंगड़रिया महादेव की लेक। अब नाम तो पता नहीं, नाम क्या है इसका, चंबल है। हाँ, जहाँ तक हमारी नॉलेज है ये चंबल है। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये जो मेरे साथ आए हैं वो है, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँगा, आप एक बार ये रिवर देख लो। पहली बार मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सबसे पहले कोटा की। ये फ़ोटो शूट का इतना ज़्यादा चस्का चढ़ रहा है इन लोगों को, ये देख कम रहे हैं और फ़ोटो शूट ज़्यादा कर रहे हैं। चलो जैसा भी है, पहले मैं बता दूँ, ये सब ये 4 जने हमारे साथ आए हुए हैं, एक जना जा रहा है। हाँ भाई, लगता है वो डर गया नदी की गहराई को देख करके। ये रविंदर है और ये हमारे साथ विशाल और मनीष लामरौर। मनीष लामरौर, मनीष। तो ये लड़का जो पोज कर रहा है व्हाइट शर्ट में, यही मनीष लामरौर है। इसको मरने से डर नहीं लगता, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है। तेरा यूट्यूब चैनल का नाम बता दे। मनीष जोधपुरी, मनुष जोधपुरी, जिसपे ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट डालता है। एंड हेयर इट इज़ वन एंड ओनली मिस्टर ऋषभ कुमार, ये यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। चलो अब आगे चलते हैं। जानवरों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदर है और कुछ हम लोग भी हैं। वी लुक लाइक बट वी डोंट। तो अब हम जा रहे हैं मगडरिया महादेव नीचे, जो मेन दर्शन करने वाली जगह है। ये बंदर जा रहे हैं तो की जय। सामने वो जो आपको स्काई ब्लू कलर का घर दिख रहा है, वो घर नहीं, छोटा एक मंदिर है। और इसी के साथ अब हम जा रहे हैं नीचे, लेट्स गो। तो यार ये सीढ़ियां हैं, नीचे जाने का रास्ता है। और ये पूरा मैं आपको व्यू दिखाता जा रहा हूँ साथ के साथ। ये पूरा का पूरा ये जो लेक है, ये बिल्कुल साइड से जा रही है गरड़िया महादेव जी का। और ये थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं आप। तो यार ये फ़ोटो के लिए तब दीवाने हो रहे हैं कि गलत गलत जगह पे जा करके और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मेरे को तो जाने में डर लग रहा है, फिर भी एक व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये पूरा का पूरा नीचे खाई है और ये पूरी लेक है। ये इसका एंड पता नहीं कहाँ पे है, बट जितने भी है वो बहुत बढ़िया है। ये यहाँ फोटोग्राफी हो रही है और ये वहाँ तक जा रही है रिवर। और ये नीचे जो है, इधर जो मंदिर की आवाज़ें भी आ रही हैं घंटी की, इधर ही मंदिर है। तो नीचे जा रहे हैं, पूरा गडरिया महादेव मैं आपको दिखा दूंगा इस एक वीडियो में। ये रहा सामने, सामने छोटा मंदिर है जिसके बारे में मैंने बताया था, वही है। और ये रास्ता है नीचे जाने का, ये मेरे दोस्त जा रहे हैं। तो यार ये देख लो, मंदिर के बाहर लिखा हुआ है और हम नीचे आ गए हैं। और ये सामने वो स्काई ब्लू वाला मंदिर, और ये जाने का रास्ता है। ये जूते वूते उतार रहे हैं यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, ये पूरे पत्थर वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। और ये हम सीढ़ियों से ये जो नीचे आए वो रास्ता है, लेट्स गो। ये नीचे जा रहा हूँ मैं, इसी गरड़िया महादेव के नीचे जा रहा हूँ। ये अभी हमने यहाँ देखा ही था, कृपया जूते चप्पल मोजे उतारे। तो यार ये चल दिए हम, एक सेकेंड। तो यार ये हम नीचे जा रहे हैं, जय भोले। और ये पूरा का पूरा व्यू है, एक बार यार हाय कर दो। चलो भाई ये हम जा रहे हैं, इधर महादेव जी का मंदिर है वो स्थापित है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा ये सीन आ रहा है साइड में, पहाड़ी हो रही है, पाई हो रही है। पूरा का पूरा रास्ता है जो हम ऊपर से आए हैं। तो यार यहाँ पे महादेव जी हैं जिनको अभी हम देखेंगे। और ये का पूरा रास्ता है। और ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है इधर से, इधर साइड में ही ये नदी है। मैं मोजे उतारना भूल गया, मैं यहाँ उतार लेता हूँ। और ये उतार के पटक दिया मैंने मोजे, और अब चले हम अंदर। तो यार ये अब हम अंदर आ गए हैं, ये वही सीढ़ियाँ हैं। और ये इधर महादेव जी का मंदिर है, और इधर ये कुछ ऐसा एरिया है। तो मैं पीछे आपको दिखा दूँ एक बार।
पीछे से ये भी आ गए, पीछे से कुछ ऐसी सीढ़ियाँ मनीष लामरौर अगेन। इसका यूट्यूब चैनल भी है मनीष जोधपुरी नाम से, चाहो तो आप सर्च कर लें, अच्छा चैनल है, अभी बनाया, ग्रो काफ़ी अच्छी हुई है। और ये है हमारे गोबर या महादेव, एक बार यार इनको सिर झुका कर। तो यहाँ ये पंडित जी हैं और ये कुछ ऐसा है। तो हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, तो यार अब हम चल दिए बाहर जो आगे वाला एरिया उस तरफ, गोवरिया बावड़ी। गोवरिया बावड़ी नाम से जगह है, कोटा से थोड़ा आगे है, आउट स्टेशन हो जाता है। और ये यहाँ देखो, आप देख सकते हो ये कुछ जटाएं निकल रही हैं काफ़ी, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये जगह को, बट लिटरली यार बहुत अच्छी जगह है। इधर से कहीं से पानी भी आ रहा है, हाँ देखिए वो उधर से पानी आ रहा है, वो देखते हैं चलो। और ये थोड़ा सा पानी यहाँ भरा भी हुआ है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। और यार ये वो जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ लोगों ने क्या है, लोगों को तो नहीं मतलब कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने यहाँ ड्रम लगा रखे हैं। और यार ये आप मैं दिखा देता हूँ, ये सीधा बिल्कुल खड़ा हुआ एक पहाड़ है, आपको मैं भी सही से नहीं दिख रहा हो ये। और ये जिधर से हम आए हैं ये विशाल है, विशाल हाय। और ये इधर पूरा का पूरा जिधर से हम आए हैं ये वो पानी वाली जगह, ये पानी भर रहा है। तो ये मैं बच्चे इधर नहा रहे हैं, और सबसे मेन जो इधर की चीज़ है वो ये है भाई, ये कोई लेक है और जिनमें भी ये चंबल है। यार मेरी जीके पे मत जाना, वो बड़ी बेकार है, इसलिए मेरे को जो समझ आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ से क्या नज़ारा आ रहा है, और ये कितना नीचे है इस टाइम, बहुत नीचे है। और इधर देख सकते हो आप, पूरा जंगल है नीचे, पेड़ जा रहा है। ओ यार बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो यार ये वो तालाब है, तालाब छोटा सा जो पहाड़ों में से पानी निकल रहा है। देखो ये मेरा दोस्त ऋषभ पानी पी भी रहा है। ओम बोले बोले भाई बोले। चलो यार चलते हैं अब दूसरी जगह पे। किया जा रहा है। तो यार ये कड़रिया महादेव जी हैं, यहाँ भी हमने दर्शन किए थे और इधर से हम आए थे ऊपर। अब हम उन्हीं के प्रसाद रूपी पानी पी रहे हैं। तो एक गिलास मेरे को पिलाना, मेरे को प्यास लग रही है। तो यार ये पानी है, ये पाइप में से नहीं बाकी ये पहाड़ों में से आ रहा है, दिख नहीं रहा। अब ये क्या कवर कर दिया है मंदिर बनाने के लिए, देखिए ये मंदिर है। तो यार ये हम बाहर की ओर चल दिए हैं और हम जा रहे हैं बाहर। अब अपने शूज वूज पहनेंगे, सॉरी यार ढकार आ गई, पानी पी लिया पेट भर के। तो यार ये कुछ ऐसा एरिया है, और यहाँ फोटोशूट वापस से चालू हो रहा है। चलिए, तो यार ये नीचे जाने की बातें हो रही हैं, पता नहीं डायरेक्ट जाएंगे या फिर उतर उतर के जाएंगे। और देख लो भाई अगर कोई नहीं लौट के आ पाए तो, ये शक्लें हैं, कहीं हमारी शक्लें चेंज करते भालू। चलो यार अब डिसाइड करेंगे कि नीचे जाएँगे नहीं जाएँ, बाकी यार बहुत ही एडवेंचरस हो जाएगी ये चीज़, मैंने तो कभी आज से पहले ये की नहीं है। चलो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, शेयर करेंगे। तो यार हवा बड़ी तेज़ चल रही है और इसके बीच में हम जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और रविंदर हमारी सेल्फी ले रहा है। हवा की वजह से शायद आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना यार। तो यार ये फ़ोटो ले लिया, ये चीज़ बड़ी यार देखने में डरावनी है। ये भी एक महादेव का पैलेस है, मेरे एक घंटी बजा रहा देखो, यहाँ भी जोत जलती है। और ये भी एक महादेव का ही स्थान है, और ये भी गडरिया महादेव में ही है। इसको मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, इधर ये वगैरह होता है और ये लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, और भी काफ़ी अंदर तक है, देखो आप वहाँ तक देख सकते हो, बहुत एंड है इसका जीरो। और अब आपको यहाँ की गहराई भी दिखा देता हूँ, हम कितनी ऊँचाई पर हैं, ये आप इस कैमरे में पता नहीं जज कर पा रहे होगे नहीं, बट करीब करीब कितना बैठ जाएगा रे नीचे, 200 मीटर करीब बता रहा है वो, बट मे बी इससे ज़्यादा ही बैठेगा, 200 मीटर बहुत कम लग रहा है मेरे को इसके लिए, बहुत नीचा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सामने वाली आप वो दीवार देख लीजिए, ये बहुत लंबी जा रही है। तो यार ये मैं हूँ और ये हमारा टीका है, बहुत अच्छा लग रहा है ये महादेव के नाम का, ओम नमः शिवाय। चलो लेट्स गो। को ये तिलक दिखा देता हूँ, मैंने बनवाया है और एक विशाल ने बनवाया है और एक ऋषभ ने बनवाया, बाकी नॉर्मल टीके लगवाए हुए हैं। और ये हम जा रहे हैं वापस ऊपर की तरफ, लेट्स गो। ये जो स्काई ब्लू कलर का मंदिर है उस पर आ गए हैं, मैं थोड़े स्क्रीन की साइड देख रहा हूँ इसलिए आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यार ये मैं दिखा देता हूँ स्काई ब्लू वाला, ये जो मंदिर जो वहाँ से दिख रहा था ऊँचाई पर से, इधर आ गए हम, इधर भी शायद
महादेव जी ही यहाँ रहते हैं, काफ़ी अंदर तक है ये, येलो वाला गेट है उसके भी आगे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे को दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो यार ये पूरा का पूरा व्यू है, और उधर से हमने ऊपर से उस पर से वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ से, तो वहाँ से हम यहाँ तक उतर करके, और नीचे जो है महादेव का मंदिर है वो देख आए, अब इधर आए हम सेकंड साइड पे, तो हम ये देख रहा मेगापिक्सल से फोटो क्वालिटी के कोई। और यार ने उनके डॉगों पे, तो यार ये शायद एक सेकंड, ये घोरी बाबा नीचे उतर के आ रहे हैं, स्नान स्नान करने के बाद अभी मंदिर में बैठक लगाएंगे। तो यार उनसे एक बार आशीर्वाद लेना तो बनता है, सभी चलते हैं, लेट्स गो। तो यार ये आ गए हम घोरी बाबा के पास, और घोरी बाबा का आशीर्वाद सभी लेंगे, सभी खड़े होकर के आशीर्वाद के लिए जूते उतार उतार रहे हैं, ये आशीर्वाद लेने जा रहे हैं घोरी बाबा का। अरे ये बाबा का आशीर्वाद सब ले रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। जी जी बिल्कुल। अरे घोरी बाबा जा रहे हैं, और ये इनकी अभी शूटिंग ख़त्म नहीं है, देखो वो देख सकते हैं जैसे हम आए हैं, दोनों जने लग रहे हैं वहाँ पर अपने फ़ोटोज लेने। और बाबा ने हमको एक काम भी दे दिया लकड़ी उठाने का, पर शायद कोई यहाँ पे ऐसा करने वाला नहीं है, मे बी किसी के अंदर कोई ज़्यादा भक्ति जाग जाए तो वो एक डंडा ले ला सकता है वहाँ से बाबा के लिए। तो यार अब हम जा रहे हैं वापस, लेट्स गो। जाते वक्त बड़ी गर्मी हो गई है, और देख लो एक बार फिर से व्यू, ये लौट के हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, और ये नीचे जो है महादेव का मंदिर है इस साइड, और ये हम वापस जा रहे हैं, और ये सामने स्काई ब्लू मंदिर। सर यार ये आम आ गए हैं, ब्लॉग हमने यहीं से स्टार्ट किया था, यार धड़कन तेज़ हो गई, भाग भाग के आया हूँ आपके लिए। और ये जो जगह है वो है वही नदी, अरे पूरा मंदिर। हाँ जी चलो यार, एक अमेजिंग चीज़ दिखा देता हूँ आपके लिए, यहाँ हम हैं और ये बंदर है, और इनकी सच में पार्टी हो रही है, ये आप देख लो, ये बंदरों की सच में पार्टी हो रही है, ये केक खा रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं शायद किसी का बर्थडे बर्थडे था उसने रख दिया, और ये खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो यार ये कोई बाबा का दरबार भी लगा हुआ है शायद, यहाँ लंगर वगैरह चले, और पता नहीं कोई प्रोग्राम हो, जिन भगोरी बाबा से हम मिल के आए हैं उन्हीं का द्वार है, ये यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने टैक्सी की तरफ, तो ये पूरा व्यू है, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जहाँ टैक्सी खड़ी हुई है, तो वो रही सॉरी जो आपको देखो ग्रीन कलर में दिख रही होगी वहाँ, यस 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 दैट वन। यार मेरे दर्द करने लगा पेट, दुखेले बाबा क्यों पेट, टट्टी आ रही है पेटी मेरे पानी। तो यार ये सब फोटो के लिए इतने पागल हो रहे हैं कि हमको वेट करना पड़ रहा है यहाँ पर, और ये जालियाँ हैं इनके पार जा कर के बच्चों को मना, फिर भी ऐसी गुस्ताखी करते रहते हैं ये, और इनका तो ड्रीम है भाई साहब का वहाँ तक जाएं और वहाँ से पूरा व्यू लें, और जिसके बाद वो पूरा व्यू कैमरे में कैद हो सके, ये देखिए पूरा व्यू। तो यार ये व्लॉग का एंड है, और ये हमारा ऑटो है वो हमारा वेट कर रहा है, अब हम जाएंगे और ऑटो में बैठ के यहाँ से निकल के वापस कोटा, एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो यार ये कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ गरड़िया महादेव टेम्पल कोटा से थोड़ा 20 किलोमीटर करीब आगे है ये, कोई विजिट करना चाहे तो सच में अच्छी जगह है, बट मेनली जो ये जगह है ये है बारिशों के टाइम की, तो प्लीज़ उसी टाइम आए। तो यार ये व्लॉग का एंड, बाय बाय, टेक केयर। बी जो जगह है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये है हैंगिंग ब्रिज ऑफ कोटा, राजस्थान में ये वन एंड ओनली है, इसके अलावा दूसरा कोई हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में पूरे में नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा है, और ये नीचे से यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है थोड़ा, ये देखो इतना लंबा है, वहाँ से स्टार्ट है और इस साइड में ख़त्म हो रहा है, ये काफ़ी लंबा जिसमें पोल है बीच में, ये देख सकते हो आप इतना लंबा पोल है ये। और यार ये ट्रक जा रहे हैं यहाँ से, बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, इस पोल के आगे देखिए वो निकलेगा साथ में, और ये इस पोल की लेंथ है, और वो हमारा ऑटो खड़ा हुआ है, ये एक पिलर यहाँ पर है और एक आगे, वो वाला भी मैं आपको शायद दिखा दूँ अगर मैं वहाँ पे शूट करूँगा तो। और अब हम घर वापस जा रहे हैं,
और हम घर वापस जा रहे हैं। सो लेट्स गो वे टू होम।